गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द प्रोज दैट इज इन टू द वाइल्ड। दिस लेसन इज रिटन बाय किरण पुरंदरे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अ लेसन वी विल गो through the writer and about the parts. Now see the information about the writer, like Kiran Purandare. Kiran Purandare born in the year of 1961. Unka janm 1961 mein hua hai. After BCom, he studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. In India, he has completed his graduation in the Faculty of Commerce. India में उन्होंने BCom किया है और उसके बाद उन्होंने एक education complete किया है. He studied environmental studies, यानी कि जो environment study है वो उन्होंने complete की है Jordan Hill College of Education जो स्कॉटलैंड में है. ही इज अ रिसिपियंट ऑफ द साहित्य पुरस्कार और वो एक साहित्य पुरस्कार मिले हुए एक व्यक्ति है, एक राइटर है. पुणेच भाई माधव बागल अवार्ड, पुणे का जो भाई माधव बागल अवार्ड है वो भी उन्हें मिला है. एंड बेस्ट लिटरेचर अवार्ड गिवन बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फॉर इज सखा नागजीरा. सखा नागजीरा ये जो बुक है, ये जो किताब है, इस किताब के लिए कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्होंने उनको एक लिटरेरी अवार्ड दिया है. ही स्पेंट 400 डेज इनसाइड नागजीरा. अभी नागजीरा का जो फॉरेस्ट है उसमें उन्होंने 400 दिन बिताए एंड डिपेंड ऑन दैट डे He has completed a book और उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है. एंड नियर बाय फॉरेस्ट एरियाज और उस फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट के पास में एंड रोट दिस अवार्ड विनिंग बुक और उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी है जिस बुक को वहाँ पर अवार्ड मिला हुआ है. दिस एक्सर्प हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेम. और ये जो एक्सर्प्ट है, एक्सर्प्ट का मतलब यहाँ पर लेसन या पैसेज, परिच्छेद या इन्फॉर्मेशन. ऑल दैट हैज टेकन फ्रॉम द सेम, इट मीन्स फ्रॉम हिज बुक. जो किताब उन्होंने लिखे 400 दिन बिताकर फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के बगल में रहकर, उस किताब में से यहाँ पर एक्सर्प्ट लिया गया है. He is a wildlife expert. Wildlife जो है, वन्य जीव जो है उसके बारे में अभी एक्सपर्ट बने हुए. बर्ड वॉचर, अलग अलग पंछी देखने वाला इंसान है, बर्ड वॉचर है. देन राइटर, उसके बाद वो एक लेखक भी है. एंड हॉनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन इन महाराष्ट्र और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में या महाराष्ट्र प्रदेश में ये एक हॉनररी यानी कि सम्मानित वाइल्ड लाइफ वार्डन है. वार्डन का मतलब है यहाँ पर अधिकारी या उनकी देखभाल करने वाला, यानी कि जो वन्य जीव का रक्षण करता है या उसके बारे में जो अधिकारी है उनके लिए एक हॉनररी पर्सन है. He is also the founder. वो एक founder भी है, founder member है of निसर्गवेद organization. किरण पुरंदरे establish one of the organization, namely निसर्गवेद. निसर्गवेद नाम की एक organization है, एक संगठन है, एक संस्था है जो किरण पुरंदरे ने बनाई गई है.
विच वर्क्स फॉर नेचर कंजर्वेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है किसके लिए, फॉर नेचर कंजर्वेशन, यानी कि जो निसर्ग संवर्धन है उसके लिए, यहाँ पर ये निसर्गवेद ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, एंड कम्युनिटी वर्क अराउंड नागजीरा, और जो नागजीरा के बगल में साइड में एरिया में जो कम्युनिटी है, जो समाज है, उनका संवर्धन करना या उनको डेवलप करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है। नवे गांव यानी कि नागजरा नवे गांव के पास है, अ टाइगर रिजर्व इन भंडारदरा एंड गोंदिया डिस्ट्रिक्ट्स। इसके साथ साथ ही जो टाइगर रिजर्व है, यानी कि वहाँ जो रहते हैं टाइगर जो रहते हैं, उनको बचाने का काम, उनको बढ़ाने का काम, चाहे वो भंडारदरा डिस्ट्रिक्ट हो या गोंदिया डिस्ट्रिक्ट हो, ए बिटवीन दिस टू डिस्ट्रिक्ट ही हैज़ रिजर्व द टाइगर, वो टाइगर बचाने का बढ़ाने का काम करते हैं। ही अल्सो फाउंडेड किकास बर्ड क्लब, और एक क्लब उन्होंने बनाया गया है, उनका नाम है किकास बर्ड क्लब। अभी किकास बर्ड क्लब क्या है, इन ऑर्डर, उसका जो मतलब है, उसका जो इंटेंशन है वो यहाँ पर दिया है, टू स्प्रेड बर्ड फार्मिंग, यानी कि जो बर्ड फार्मिंग रहता है, जैसे कि फूड फार्मिंग रहती है, क्रॉप्स फार्मिंग रहती है, फूड फार्मिंग रहती है, सच वे बर्ड फार्मिंग, और बर्ड फार्मिंग के लिए वो स्प्रेड करना चाहिए, लोगों में समझ आनी चाहिए, लोगों ने उसको स्वीकारना चाहिए, इसके लिए स्प्रेडिंग के लिए उन्होंने बर्ड फार्मिंग के लिए किकास बर्ड क्लब स्टार्ट किया है, विच इज़ वेरी पॉपुलर, जो क्लब बहुत ही पॉपुलर हुआ था अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रदेश में जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनमें ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो क्लब है, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था। सो सच ए वे दिस आर द इंफॉर्मेशन अबाउट किरण पुरंदरे। नाउ वील गो फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, लॉस्ट इन द जंगल। अभी ये लॉस्ट इन द जंगल के बारे में ये पैसेज है, उसके बारे में देखते हैं। As the name suggests, जैसे यहाँ पर नेम सजेस्ट करता है, Lost in the Jungle, the excerpt is an amazing experience of the writer. ये जो excerpt है, यानी कि ये जो परिच्छेद है, एक जो पैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वैल्यूएबल एक एक्सपीरियंस है ऑफ द राइटर, लेखक का। वेयर किरण पुरंदरे द सॉलिटरी ट्रैवलर, जहाँ पर ये राइटर कैसे थे, सॉलिटरी ट्रैवलर थे। सॉलिटरी का मतलब है अलोन, अकेले अकेले वहाँ पर वो जर्नी कर रहे थे। इट्स कम्प्लीटली लॉस्ट इन द जंगल्स ऑफ उंबरजरा एंड ही हैज लॉस्ट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को भुला दिया था या वो खुद जंगल में भूल गए थे। कौन सा जंगल है, उंबरजरा, उंबरजरा का जो जंगल है, उस जंगल में वो वहाँ पर भूल गए थे या लॉस्ट हुए थे, खो गए थे। ही नैरेट्स हाउ ही लॉस्ट हिज वे, और इस पैसेज में या फर्स्ट पार्ट में राइटर हैज़ गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही लॉस्ट हिज वे, उन्होंने उनका सफ़र या उन्होंने उनका रास्ता किस प्रकार से वहाँ पर वो भूल गए थे, किस प्रकार से वहाँ पर वो लॉस्ट हुए थे, वो सब वहाँ पर बताएं। ऑफ द डस्क, एट द फॉल ऑफ द डस्क, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो कब वहाँ पर भूल गए थे, कब रास्ता छूट गए थे या कब रास्ता वो गलत पकड़ा था, तो यहाँ पर टाइम दिया है एट द फॉल ऑफ द डस्क। डस्क का मतलब है अंधेरा, थोड़ा सा, इट मीन्स एट द फॉल ऑफ इवनिंग टाइम, जब रात का अंधेरा छाने लगता है, इस समय पर उन्होंने उनका सफ़र
गलत चुना था या दूसरा रास्ता उन्होंने पकड़ा था एंड आफ्टर देन ही हैज लॉस्ट इन द जंगल एंड द टेरिफाइंग टर्मोइल ही अंडरवेंट देयर आफ्टर और उसके बाद एंड द टेरिफाइंग टर्मोइल जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगता है उनका रास्ता गलत होता है वो वहाँ पर टेरिफाइंग का मतलब है भयानक, टर्मोइल का मतलब है वहाँ पर गोंधल, या जैसे हम मराठी में कहते हैं गोंधल उड़ने, सच वे ही हैज टर्मोइल एंड विच इज़ वेरी टेरिफाइंग, यानी कि बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर डर गए थे या वहाँ पर टर्मोइल हुए थे। ही अंडरवेंट देयर आफ्टर, उसके बाद वहाँ पर वो टर्मोइल हुए थे। देन शाउटिंग फॉर हिमसेल्फ, आगे दिया है शाउटिंग फॉर हेल्प, उन्होंने वहाँ पर शाउटिंग किया था, फॉर वॉट, फॉर द हेल्प। ये देखो, शाउटिंग फॉर हेल्प वुड लिटरली मीन क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, यानी कि जो पूरा वाइल्डरनेस से पूरा जंगल भरा हुआ है उसमें वो रो पड़े थे, क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, पूरे जंगल में वहाँ पर वो रोने लगे थे एंड ही हैज शाउटिंग फॉर हेल्प, बचाओ बचाओ, इस तरह से वहाँ पर उन्होंने शाउटिंग किया था। ही अल्सो गिव्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ही फाउंड हिज वे टूवर्ड्स द पिटेजरी, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया है, डिटेल उन्होंने वर्णन किया है वो किस तरह से वहाँ पर उन्होंने उनका रास्ता चुन लिया था, किसकी तरफ, टूवर्ड्स द पिटेजरी, पिटेजरी इज़ द नेम ऑफ दैट विलेज जहाँ पर वो रहते थे, और किस तरह से वहाँ पर वो बाहर आए इसका वर्णन इस लेसन में या फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। नाउ सी व्हाट इज़ इन सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, देखो, दिस पार्ट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीएन ट्रैवलर मैगजीन पब्लिश बाय लैंड रोवर इंडिया। सेकंड पार्ट का जो हिस्सा है वो वहाँ पर लिया गया है, कहाँ से, फ्रॉम सीएन ट्रैवलर मैगजीन, सीएन जो है यानी कि ये चैनल नेटवर्क, एक चैनल नेटवर्क ट्रैवलर मैगजीन जो है उसमें से यहाँ पर ये पार्ट लिया गया है जो पब्लिश करते बाय लैंड रोवर इंडिया, उसमें से ये पार्ट लिया है। इट इज़ अबाउट शाज जंग, और ये जो लेसन है, ये जो सेकंड पार्ट है वो शाज जंग के बारे में है। नाउ हू इज़ शाज जंग, शाज जंग इज़ वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, यानी कि जंगली जानवर के जो फोटोग्राफ बनाने वाला है या निकालने वाला है वो ये शाज जंग है। एंड ही इज़ ऑल्सो अ स्पेशलिस्ट ऑफ अ बिग कैट, यानी कि जो बिग कैट है उसके बारे में जानकारी देना या उसको खोजना, उसके लिए वो स्पेशलिस्ट है। शाज जंग नोन फॉर हिज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वो उनके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। इट ब्रीफ्स अस अबाउट हिज एंट्री इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ लाइफ ऑफ फोटोग्राफी, और इसमें डिपिक्ट किया है, बताया गया है हमें हिज एंट्री, यानी कि शाज जंग की जो एंट्री है किस में हुई है, इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में उनका जीवन कैसे स्टार्ट हुआ है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी उनकी किस तरह से स्टार्ट हुई है, उन्होंने ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एम्बिशन क्यों रखा है या वहाँ पर उन्होंने क्यों स्टार्ट किया है, ऑल दिस थिंग्स हैज़ गिवन इन द सेकंड पार्ट। द इनसाइट दैट ही रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस जर्नी रिगार्डिंग द लॉस ऑफ द हैबिटेट ऑफ दोज हीरोज ऑफ द जंगल एंड द जेन्युइन एफर्ट्स दैट ही टूक बाय एस्टैब्लिशिंग BCRTI फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय एजुकेटिंग द लोकल रूरल फॉक्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद अ साउंड रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम। नाउ सी दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द इनसाइट दैट ही रिसीव्ड,
और इसके लिए उनको जो मिला है ड्यूरिंग दिस जर्नी, यानी कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का जो जर्नी उन्होंने किया है उसके दौरान उनको जो भी कुछ मिला है रिगार्डिंग द लॉस ऑफ द हैबिटेट ऑफ दोज हीरोज ऑफ द जंगल, यानी कि जंगल के जो हीरो है और जो लॉस ऑफ हैबिटेट है, यानी कि जंगल में रहने वाले जो जंगली जानवर है या जंगल के जो रहवासी है उनका लॉस होना, ये उनके समझ में आए। एंड द जेन्युइन एफर्ट्स, और इसके लिए उन्होंने जेन्युइन एफर्ट्स किया है दैट इट टूक बाय एस्टैब्लिशिंग, जिसके लिए उन्होंने जो कोशिश है प्रयत्न है उन्होंने स्टार्ट किया है बाय एस्टैब्लिशिंग का मतलब यहाँ पर बनाकर क्या बनाया उन्होंने BCRTI। अभी BCRTI क्या है तो ध्यान में रखो, BCRTI का मतलब है बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है जो वहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ना नफा ना तोटा, ये जिस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन रहती है उस तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करने के लिए। और किरण पुरंदरे का किस लिए था, वहाँ पर उनका ऑर्गेनाइजेशन था फॉर द नेचर कंजर्वेशन, निसर्ग के लिए, और कम्युनिटी जो जंगल के पास में रहने वाली कम्युनिटी है समाज है उनके लिए, यहाँ पर ये जंगली जानवर के लिए या वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है उनके कंजर्वेशन के लिए ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का कंजर्वेशन होना चाहिए, बचना चाहिए। बाय एजुकेटिंग द लोकल रूरल फॉल्स, और किस तरह से जंगल को बचाना है, बाय एजुकेटिंग द लोकल रूरल फॉल्स, जंगल के पास में रहने वाले जो लोकल लोग हैं जो फॉल्क है पीपल है उनको वहाँ पर एजुकेट करना, एंड प्रोवाइडिंग देम विथ अ साउंड रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम, और उनको रिलायबल करना एबल करना फॉर वॉट फॉर द सोर्स ऑफ इनकम, खुद के कमाई के लिए। जो सिचुएशन है या जो इंस्ट्रक्शन है जो जॉब है जो अपॉर्चुनिटीज है वो प्रोवाइड करना थ्रू द BCRTI सच अ वे। सेकंड पार्ट हैज़ गिवन अबाउट द शार्क जंप एंड ही हैज कंप्लीटेड पार्ट गिवन इन द डिटेलली। सो आफ्टर दिस इन्फॉर्मेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी आवर फर्स्ट पार्ट इन टू द वाइल्ड अकॉर्डिंग टू किरण पुरंदरे लॉस्ट इन द जंगल। ओके थैंक यू।